हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फिर से आए हैं एक नए प्लेटफॉर्म के साथ दोस्तों, जहां पे आपको फ्री में कोर्सेज करवाए जाते हैं। जब आप लोग इन कोर्सेज को कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है दोस्तों। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस कोर्स का नाम क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्किल कैफे के नाम से एक कोर्स है आपको, जहाँ पे जब आप लोग इस कोर्स को करते हो, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस जो है यहाँ पे फ्री कोर्सेस है, और साथ ही साथ कुछ कोर्सेस जो है पेएबल कोर्सेस भी है दोस्तों। तो आप लोगों को फ्री कोर्सेस यहां से कर लेने हैं। आप लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा डिटेल कि कैसे आप लोगों को क्या क्या करना है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मैं इसमें एक सर्टिफिकेट भी लेकर के दिखाऊंगा साथ ही साथ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ सारे स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। देन आफ्टर आप लोग इस होम पेज पर आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट आफ्टर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए या फिर आप साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से आप लोग अपना ईमेल आईडी या फिर यहाँ साइन अप कर सकते हैं। यहाँ साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी बेसिक डिटेल मांगा जाता है यहाँ से आप लोग क्रिएट करके बना सकते हैं। और चलिए, मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है और मैंने इसमें एक सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरा जो सर्टिफिकेट है, कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट है दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन, ये वाला सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है। मेरा जो सर्टिफिकेट है ये वाला, ये HTML लर्न का मैंने लिया था, तो ये सर्टिफिकेट हमको मिल गया सिंपल तरीके से। तो चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लॉगिन कर लीजिए इसको। लॉगिन करने के लिए मैं सिंपल अभी गूगल यूज कर लेता हूँ। गूगल यूज करने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि मेरा जो पेज है वो इसमें मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो बफरिंग कर रहा है, इसलिए हम लोग वेट कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को यहां से अपना गूगल अकाउंट जो भी चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। देन आफ्टर आप लोग इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो यहां पे आप लोगों को लॉगिन कर लेनी है अपने अकाउंट को। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक मैसेज मिल गया, लॉगिन सक्सेसफुली गया। और दोस्तों, मैंने इसमें अपने कोर्सेज को HTML कोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया था, ये सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप का मुझको मिल गया हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो, कोई भी कोर्सेज कंप्लीट करते हो तो उस टाइप का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग अपने अकाउंट के यूजर प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें आप लोगों को सिग्नेचर जो है यहाँ पे सिंपल सिग्नेचर आप लोगों को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे शायद इसमें सिग्नेचर भी सर्टिफिकेट में दिया जाना चाहिए, बट जब अपलोड करवाता है तो, बट यहाँ पे नहीं दिया मेरे को। तो आप लोग कर भी सकते हैं अपडेट अगर करना चाहते हैं अपने सिग्नेचर को तो, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे बैक। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ मेरा जो कोर्सेस है ये वाला, मैं आपको ना कोर्सेस बता देता हूँ यहाँ से मैंने जो कम्प्लीट किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पेज है वो ओपन हो करके आ जाता है, लर्न HTML का जो मैंने कोर्सेस कंप्लीट किया था। थोड़ा स्लो नेट प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे बफरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विथ लर्न HTML का जो कोर्स है इसको मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ कि आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरीज में जो भी कोर्सेस आप चूज करना चाहते हैं, डेवलपमेंट, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग, डिजाइन, पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफ स्टाइल, टीचिंग अकेडमिक, जो भी करना चाहते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ से सिंपल चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ डेवलपमेंट की तरफ, या फिर आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट में मैं कुछ कोर्सेज को बता देता हूँ जहाँ से आप लोग फ्री में कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट है, IT सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, जो भी है यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री में करवाए जाते हैं। तो और कुछ कोर्सेज पेड भी है, तो पेड कोर्सेज को आप लोगों को नहीं करना है, तो जो महंगे पड़ जाते हैं। तो मैं इसमें आप लोग फ्री कोर्सेज को ही करने को सोचेंगे। तो चलिए यहाँ से कुछ फ्री कोर्सेज को मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप लोग इसको कर सकते हो सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस कोर्सेज को,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग आईटी सॉफ्टवेयर जो भी चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को मिलता है लर्न डाटा साइंस ट्यूटोरियल। अगर डाटा साइंस करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, इसका 4.2 का रेटिंग है। यहाँ पे वर्डप्रेस बिगिनर का कोर्सेस है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस, आपको पाइथन का कोर्सेस है जो कि अभी पेएबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये फ्री भी हो सकता है। तो मैंने इस कोर्स को अभी कंप्लीट किया था, गेटिंग स्टार्टेड विथ लर्न एचटीएमएल को, मैं अभी आपको इस कोर्स को कंप्लीट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। जब आप लोग दोस्तों इसको क्लिक करते हो तो ये आपको बोलेगा इसमें इनरोल करने को, तो आप लोग इसको सिंपली यहाँ पे फ्री वाले ऑप्शन पे देख रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो कोर्सेस है फ्री है, तो इसके लिए आप लोगों को एसएस दिस कोर्स पे क्लिक करना होगा। जब आप लोग इस पे क्लिक करते हो तो आप लोग जो भी कोर्सेस सिलेक्ट करते हो उस पे आप लोगों को एसएस दिस कोर्स पे क्लिक कर लेना है। जब आप लोग इस पे क्लिक कर लेते तो दोस्तों तो आप लोग इसमें यहाँ पे आ जाते हो, तो आप लोग देख सकते हो मेरा जो ये कोर्स है कंप्लीट हो चुका हुआ है, और यहाँ पे स्टार्ट ओवर स्टार्ट योर कोर्स पे बोला जा रहा है क्लिक करने को। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल अपने कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो सारे को फॉलो कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। तो सारे कोर्सेज को जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हो तो आप लोग इजीली सर्टिफिकेट ले सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक वे बताऊंगा जहां से आप लोग आसानी से सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेक्चर है, यहाँ पे 5 घंटे का पूरा लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट करना है। इस लेक्चर को जब आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट इजीली मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से सिंपल से ओपन कर देता हूँ इस कोर्स को। यहाँ से ओपन करने के बाद आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो कोर्सेस अभी चल रहा है, इस कोर्स को अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो तो आसानी से स्किप भी कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को लास्ट में आ जाना है, लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो आप लोगों को ये जो कोर्सेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जस्ट यहाँ से आप लोग देख सकते हो वीडियो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। वेलकम। तो यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है, और यहाँ पे आप लोग डाटा पूरा कंप्लीट कर लेना है। जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों computer coding and the ability to work with the numbers and quantitative skills. तो आपका पूरा कोर्सेस कंप्लीट हो जाता है। Remember this, you don't have to know everything. तो फ्रेंड जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे जा सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर प्रोसेस 1 out of 1 कंप्लीट। तो इसमें एक ही लेक्चर था, आप लोग आपने इसको कंप्लीट कर लिया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ माय कोर्सेस पे आपको जाना है, आपको सर्टिफिकेट लेने का स्टेप्स मैं बता देता हूँ। माय कोर्सेस पे आ जाना है। जब आप लोग माय कोर्सेस पे आते हो तो आप लोग देख सकते हो इसका 100% आप लोगों को शो कर रहा होगा। यहाँ पे 100% आपको इसमें मिल चुका है। तो यहाँ से आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, जब आप लोगों को इसको सर्टिफिकेट लेना है तो आपको जाना है अगेन से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ये जो गूगल फॉर्म है आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप लोगों के ईमेल पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप अपना ईमेल आईडी जो भी उसमें आप लोग चूज किए थे वो वाला ईमेल आईडी, आप सर्टिफिकेट पे जो भी नाम लेना चाहते हैं वो वाला नाम आप लोगों को यहाँ पे सिंपल से चूज कर लेना है दोस्तों। एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम फिलअप कर लेनी है। जब आप लोग यहां से अपना नाम फिलअप कर लेते हो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपने कौन से कोर्सेज को यहां पे कंप्लीट किया है और किसका सर्टिफिकेट लेना चाहते थे, यहां से आप लोग चूज कर सकते हो। तो मेरा जो था अभी बेसिक लर्न एचसीएल का था। यहां पे आप लोग देख सकते हैं नीचे हम लोग आ जाते हैं। यहां पे आ जाने के बाद हम लोगों ने जो भी कंप्लीट किया है उसको हम लोग चूज कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा था। यहां पे लर्न डेटा साइंस ट्यूटोरियल को हमने कंप्लीट किया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे यहां पे इस कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेनी हम लोगों को। लर्न डेटा साइंस ट्यूटोरियल का जो कोर्स होगा इसमें उसको हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला लर्न डेटा साइंस ट्यूटोरियल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको एक पूछा जाता है अपलोड योर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपने कोर्स को कंप्लीट किया उसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन की मदद से आप लोगों को कीबोर्ड प्रेस करना है, देन आफ्टर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करते ही आपको बोलेगा सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो आप लोग जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इसका स्क्रीनशॉट जो है ये वाला मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जस्ट आपको अपलोड पे क्लिक कर देनी है। जस्ट आफ्टर जब आप लोग इसमें अपलोड पे क्लिक कर देते हो दोस्तों, तो आप लोगों का जो स्क्रीनशॉट है वो अपलोड हो जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर देना है। जब दोस्तों आप लोग इसको सबमिट कर देते हो तो आपके ईमेल पे 24 घंटे के अंदर आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया दिया जाता है। अगर तुरंत सर्टिफिकेट आपको नहीं आता तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसा कि आप लोग 24 आवर वेट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट इजीली प्रोवाइड करा दिया जाता है आपके ईमेल के थ्रू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे
मेरा जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस टाइप का ईमेल पे आया हुआ है। अब दोस्तों तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ये वाला मेरा जो है मैंने इसको डाउनलोड भी करके रख लिया हुआ है ये वाला सर्टिफिकेट। और यहाँ से आप लोग सिंपल बे तरीके से आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड है उस इंटरेस्टेड कोर्सेज को सिलेक्ट करके आप लोगों को इसको इनरोल कर लेनी है और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा लेनी है। मैंने आपको पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।